इस मीटिंग के आयोजक करता आपके दिन रात सिंधु के साथी चौधरी हर्ष कुमार जी, हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, मंच पर बैठे सुईराम भारद्वाज जी, ललिता जी, देवेंद्र जी, चौधरी इंद्रीश जी, चौधरी सोन, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, पहले तो मैं स्नेह प्यार दर्शाने आप जो इस संख्या में आए हैं मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद। और एक चीज का विश्वास भी आप पूरा करवा रहे हैं, साल में जो जननायक जनता पार्टी के निर्माण से लेकर आज तक हम सब ने मिलकर किया, परिस्थितियां कैसी रही हो, कोरोना आया, किसान आंदोलन में लोगों ने व्यवस्था खराब करने का काम किया, फिर कोरोना आया, वीर के विरुद्ध आंदोलन किया, मगर उन तमाम आंदोलन के विरुद्ध भी एक एक कार्यकारी ने मेहनत कर पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। और यही निवेदन विनती करूंगा कि आज हमारे पास समय है और इस दो सवा दो साल के सफर के अंदर हमें और लगन और मेहनत से पहले तो जनता के काम को पूर्ण पूरा करवाना, विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाना, गरीब को और सरकारी सुविधाओं की मदद से ऊपर उठाना और उससे प्राथमिक तौर पर पार्टी संगठन को और मजबूत कर आगे बढ़ाना। साथियों, मगर इस 10 साल के सफर में एक चीज सीखा, इन 10 सालों दिन रात समर्पित रहेगा, ये चार चीज आप कर दोगे मैं वादे के साथ कह सकता हूं आपसे मजबूत संगठन इस प्रदेश में कोई और आपको नहीं देगा। और पिछले पौड़े चार साल में हमने करके दिखाया है, यहां बहुत से पत्रकार साथी बैठे हैं, निरंतर चौधरी देवीलाल जी के समय से लेकर आज तक अलग अलग प्रकार से प्रेस में कवर भी करते आए और इनने देखा जिस तरीके से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने आम आदमी की समस्या को उठा के बदलाव लाने का काम किया, चाहे लोगों ने विरोध किया, जैसे अभी चौधरी इजराइल जी बोल रहे थे कि 100 रुपए पेंशन नहीं बननी थी, फिर भी चौधरी देवीलाल ने बनाई। इंद्रीश जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2.5 साल में मैंने भी बहुत विरोध झेले, कोई कानून बदलने जाओ हाउस में कांग्रेस खड़ी होके एक मिनट में कहती है ये तो आम जन को नुकसान करेगी। आज हम तकसीम की बात करते हैं, तहसीलों के धक्के काटते काटते आम आदमी को सालों साल लग जाते हैं, परिवार में भी बंटवारा नहीं करते अधिकारी। कानून पारित करके 6 महीने की पाबंदी को अप्रूव किया और आज राष्ट्रपति का जिस समय उस पर असेंट मिल जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा, 6 महीने के अंदर प्रदेश में सारे लंबित जिनको तकसीम के केसेस को हम पूरी तौर पर मोर लगाकर जनता के लिए समर्पित करने का काम किया। नौकरी की बात थी, मुझे याद है कि 75% वाला कानून हम विधानसभा में लेके आए, कांग्रेस ही खड़े होके कहने लगे ये कानून तो
स्टैंड नहीं करेगा। इन्हीं के ही कुछ लोगों ने जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, सुप्रीम कोर्ट से स्टे विकेट कर कानून को विधानसभा में पारित किया, गवर्नर से पारित करवाया, और मुझे उम्मीद है अगले 30 दिनों में हाई कोर्ट की मोर लगाकर 75% रोजगार में आरक्षण हमारे हरियाणा के युवाओं के लिए हम लाने का साथ है। महिलाओं के लिए 50% हिस्सेदारी पंचायती राज में हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी हमारा गायक साथी जब कलिया गा रहा था तो भावी सरपंच भावी पार्षद कह रहा था, भाई ये देख लेना आज पोस्टर अपने लगाने पड़ जाए और महिला रिजर्व हो जाए, 50% हिस्सेदारी उनकी भी। जितने कदम उठाए उसका एक उद्देश्य था कि आम जन को उसका लाभ मिले। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो मेवात के पलवल के बॉर्डर पे बैठे, 2 साल पहले यार किसी के खाते में पैसा आता था फसल बेचने का, गेहूं जीरी नरमा बेच के आया करते थे, मंडी में आरती के पास पैसा जाता था 1 महीने 2 महीने बाद, पहले DFSC रोक लेता था, फिर आरती आपका हिसाब बनाने में जुट जाता था, बाद जाके कोई शादी ब्याह इमरजेंसी आ जाए तो 10%, 20%, 50% पैसा एक टाइम पे मिलता था। हमने उसको कानूनी तौर पे बदला और आज गर्व के साथ इस मंच से कह सकता हूं किसान का भला हुआ, और दाना मंडी में बेचता है, घर आता है, 72 घंटे के अंदर उसके मोबाइल में मैसेज आ जाता है, इतने हजार रुपए, इतने लाख रुपए तेरे खाते में सरकार ने भेज दिए। कभी सोचा था किसी ने कि फसल बेचोगे और अंदर पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा? मुझे याद है मैं सांसद था, ये सुनने में आती थी कि ठेकेदार पैसे नहीं देता, ठेकेदारी प्रथा हावी हो चुकी है, DC रेट पे नौकरी नहीं मिलती। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर कानूनी तौर पे कॉरपोरेशन बना दी और आज हरियाणा कौशल रोजगार से जो सबसे गरीब परिवार का बच्चा जिसके परिवार की आयु 2 लाख से कम है, अंत्योदय मेले में जाके जिसने अपने परिवार की आर्थिक हालात को वेरीफाई कराने का काम किया, सरकार का निर्णय था तो कि प्राथमिकता के साथ उस परिवार के घर में पहले रोजगार का अवसर दिया जाए। और आज खुशी होती है, मेरे पास पिछले दिनों एक बहन आई, कहती है हम 5 बहनें रोजगार नहीं मिला, आर्थिक हालात खतरे में, अंत्योदय मेले में जाकर रजिस्टर कराया और कौशल रोजगार के माध्यम से उसको नियुक्ति पत्र आपकी सरकार ने देने का काम। बुजुर्ग युवा साथियों, अन्य उठाए गए जिसने कमेरे को, किसान को और मजबूत करने का काम किया, सफाई DF से 800 करोड़ रुपया निकालकर पॉन्ड अथॉरिटी को दिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तालाबों को पूरी तौर पर एक ओर पर साफ किया जाए, दूसरी ओर पर ऐसी व्यवस्था बनाए कि गांव में स्वच्छता के साथ घूमने की जगह आम गांव के निवासी को वहां पर मिले। ये साझे करते हुए कि हरियाणा प्रदेश में 6,000 तालाबों की सफाई और खुदाई का काम जोर शोर से चल रहा है, मगर एक आज खुशी उत्साह हुआ जब हर्ष कुमार जी ने पूरी गठड़ी मेरे को दी काम की, और जो पहले गांव की मांग थी उसका पहला जो डिमांड थी वो थी कि हमारे गांव में अब लिखनिया जैसा था वो बेचारा डिजिटल तो लिख नहीं पाया, हाई फाई लाइब्रेरी दे दी जाए, धीरे 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 जैसे जैसे फिजिबिलिटी बनेगी वो हाई फाई लाइब्रेरी के लिए 11 लाख रुपए 25 तारीख को उस गांव में भिजवाने का काम करूंगा।
कि मेवात में, पलवल में, इस क्षेत्र में जिसको पिछड़ा कहते हैं, आज युवा कैसे शिक्षित और आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे खुशी होती है कि मैं राजस्थान गया, राजस्थान में लोग मांग करने लगे कि हमारे गांव में लाइब्रेरी बनाओ डिजिटल, जिसमें यूपीएससी के, स्टेट सर्विस कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन के किताबें उपलब्ध कराई जाए कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले। के तहत हरियाणा प्रदेश में लगभग 55 लाइब्रेरियां अलग अलग चौपालों में बनाने का काम किया, और अब ग्राम पंचायत विभाग के तहत इस लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में जहां जमीन उपलब्ध होगी, ग्राम सचिवालय बने होंगे, वहां पर ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी बनाकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य को शिक्षा और प्रगति की ओर ले जाने का काम करें। बुजुर्ग युवा साथियों, जहां गांव से गांव को जोड़ने की बात, मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले चौधरी हर्ष कुमार जी मेरे पास आए थे, और पलवल से लेकर और नू तक की जो हमारी सड़क है, इसको चौड़ा किया जाए, इस पे ट्रैफिक बहुत हो गया। और मैं आज साझा करता हूं कि नबार्ड ने इसको मंजूर कर दिया, और जल्द इसका 4 लेन का काम भी शुरू करवाकर आगरा में इसको समर्पित करेंगे। और तो और, गांव से गांव जोड़ने वाली सड़कें तो 10-10, 20-20 साल नहीं बना करती थी। ये हमारे पत्रकार साथी बता देंगे कि एक बार सड़क बन गई 80 के दशक में तो 2000 में बनी गई, टूट गई तो 2022 में जाके कहीं उस पर पैचवर्क कर। मगर हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि बजट के अंदर हमने ये निर्णय लिया कि इस बार सड़कों का 50% बजट केवल मात्र हमारे गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कों की रिपेयर और अपग्रेडेशन में लगाया जाए। और ये वादा है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपके अधीन की जितनी सड़कें मेरे पास आई हैं आज, उनको उस 25 का टेकअप कर हम कंप्लीट करवाने का काम करेंगे, जिससे रोड की कनेक्टिविटी भी बेहतर। बुजुर्गों युवा साथियों, कई मांग ये आई है कि हमारे शमशान घाट की कब्रिस्तान की 4 दीवारियां नहीं है। ये तो मैं आपके एसडीएम की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि गांव दर गांव रिपोर्ट मंगाकर प्रायोरिटी पे इसको भेजे, क्योंकि हमारे सरकार का वादा भी रहा है कि ऐसी कोई भी अंतोष्टि वाली जगह ना हो जिसके अंदर 4 दीवारी, पीने के पानी की व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था ना। और तुरंत प्रभाव से हमारे जितने कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, उनके रस्तों को भी ठीक कराया जाएगा, उनकी 4 दीवारी बनाने का काम भी सरकार करवाने का कार्य करेगी। और चौधरी देवीलाल हो, चौटाला साहब हो, डॉक्टर अजय सिंह जी हो, और आज ये सौभाग्य मिल रहा है कि इस एरिया की प्रगति में भी हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और एक वादा करता हूं आपको, जैसे ही ये मुंबई वाला रास्ता जाएगा, ये रास्ता जैसे ही खुल जाएगा, हमने यहां 4 पार्क पॉकेट्स देखी है, इसके अंदर वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्री का एक बड़ा प्रोजेक्ट हम केंद्र सरकार के साथ, एनएचएआई के साथ मिलकर लाने का काम करेंगे। और अगर कोई ग्राम पंचायत आज 200 एकड़ देने को तैयार है, तो ग्राम पंचायतें तो है नहीं, अपने सचिव को, वीडियो को बुलाकर ग्राम सभा का रेजोल्यूशन पारित करके दो, हम एनएचएआई को लेकर क्षेत्र के भावे प्रगति के अंदर 4 पीढ़ियों का साथ हमारा लक्ष्य है। जैसे हमने सोना पे एटीएम बुलाने का काम किया, एबीएम बुलाने का काम किया, आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें यहाँ प्राइज पार्क, जिसमें 500 करोड़ की मदद केंद्र सरकार के, वो हम स्टैब्लिश करें। और क्योंकि मुंबई हमारा वडोदरा दिल्ली मुंबई, उस
का एक एपिसेंटर कनेक्टिविटी हब ये बनेगा। मैं मानता हूँ वेयर हाउसिंग के अंदर गडकरी जी से अभी जमीन उपलब्ध होगी, अब वहाँ फिर NHAI का बहुत बड़ा वेयर हाउसिंग NHAI के साथ। तो ये जो आपने डिजिटल आर्टिफिशियल कोर्ट ने ये मांग करे आगे प्राथमिक तौर पर वहाँ पर जैसे कमरा उपलब्ध है डेवलप करें और उसको रेप्लिकेट करें। आपकी मांग है जी पलवल और मेवात और फर्राबाद के लिए कि यहाँ से कोई ऐसे आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा मतलब कोई पद दिया जाए जिससे कि यहाँ लोगों को।